और इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से आ रही है, जहां पर 10वीं का परिणाम जारी कर दिया गया है। जी आपको बता दें कि आज शाम 4 बजे परिणाम जारी किया गया। अजमेर से बड़ी खबर, जहां 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने परिणाम जारी किया है। आपको अजमेर से बड़ी खबर बता रहे, परीक्षा में कुल 10,88,241 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे और पिछले वर्ष की तुलना में 64,633 परीक्षार्थी ज्यादा है इस बार की तुलना में। आपको बता दें कि प्रवेशिका और माध्यमिक परीक्षा का भी परिणाम जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, पिछले वर्ष की तुलना में 8 दिन पहले ये परिणाम जारी किया गया है। अजमेर से आपको बड़ी खबर बता रहे, 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया गया है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता आशीष तिवाड़ी फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी आशीष जी, बताएं कि 10वीं का परिणाम जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये परिणाम जारी हुआ है, जिसमें 10वीं कक्षा के साथ में प्रवेशिका परीक्षा और माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा के 34,460 परीक्षार्थी जो पंजीकृत थे, उनका परिणाम जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी खास बात इस रिजल्ट में ये निकल करके आई है कि इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का जो प्रतिशत रहा है सफलता का, वो है 80.35% रहा है। वहीं लड़कों की बात करें तो 79.45% परीक्षा परिणाम रहा है लड़कों का, लड़कों से लड़कियों ने बाजी मारी है। साथ ही कुल परिणाम की अगर बात करें तो 79.85% परीक्षा परिणाम रहा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि अजमेर के बोर्ड ऑफिस में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने परिणाम जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि पिछली वर्ष की तुलना में 8 दिन पहले इस बार परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर के बार बार राज्य मंत्री ने कहा कि हमने हर परिणाम को पिछली सरकार की तुलना में पहले जारी किया है, तो इस बार भी 8 दिन पहले परीक्षा परिणाम जारी किया है। लड़कियों ने लड़कों की तुलना में बाजी मारी है, लड़कियों का जो सफलता का प्रतिशत है वो ज्यादा है लड़कों से, तो ये कुल मिलाकर के एक उत्साहजनक परिणाम सामने निकल करके आ रहा है। करीब 80% जो बच्चे हैं वो पास हो चुके हैं। जी आशीष जी, बताएं कि आप बता रहे हैं कि लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी है, तो क्या टॉपर्स के नाम कुछ सामने आ पाए अभी तक? जी आपको बताना चाहेंगे, टॉपर्स की सूची अभी कुछ ही पल में जारी होने वाली है। अभी जो जनरल डेटा है वो रिलीज किए गए हैं बोर्ड की तरफ से, कुल कितने परीक्षार्थी थे परीक्षा में शामिल हुए थे, उनमें से कितने प्रतिशत जो परीक्षार्थी है वो सफल हुए हैं, ये डेटा भी जारी किए गए हैं। अभी रिसेंटली कुछ ही चंद मिनटों में ये सूची जारी होने वाली है कि किसने बाजी मारी है, टॉप पे कौन रहा है। जी आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से अजमेर से बड़ी खबर बता रहे हैं, आज 10वीं का परिणाम जारी कर दिया गया है।